आज हमारा स्पेशल सेशन पैरों में किसी भी तरह का दर्द हो, चाहे पंजे में दर्द हो, चाहे एड़ी में दर्द हो, चाहे एंकल में दर्द हो, चाहे काफ मसल्स में दर्द हो, चाहे नी में पेन हो या थाई में पेन हो, सभी तरह के दर्दों से हम कैसे छुटकारा पाएं घर बैठे। देखिए, पैरों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके द्वारा कई काम संपादित होते हैं। चलना, फिरना, उठना, बैठना, वजन उठाना, पूजा में, नृत्य में, हर कार्य में पैरों का उपयोग होता है। तो पैर हमेशा हमारे स्वस्थ रहे। आज हमारा स्पेशल सेशन, जितने भी लोगों को पैरों की तकलीफ है, यह प्रयोग नियमित करने से पैरों के दर्दों से छुटकारा मिलता है और कुछ प्रयोग करने पर तो तत्काल राहत मिलती है। तो आइए हम जानते हैं, आप पूरे परिवार के साथ करिए। अब इस माहौल में हम घर पर हैं तो अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और परिवार के साथ करने पर आपको और आनंद आएगा। पूरा परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा, और सभी राष्ट्र स्वस्थ होंगे तो पूरा विश्व स्वस्थ होगा। तो हमारा इस विश्व स्वस्थता के अभियान में आप दिल से जुड़िए, लोगों को जोड़िए और अधिक से अधिक लोगों तक हमारा संदेश पहुंचे। दोनों पैर सामने फैलाएं। अब आज मैं आपको एक स्पेशल एक्सरसाइज बता रहा हूं, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, पैरों की तकलीफ भी दूर प्लस बैक पेन भी दूर होता है। इसे 2-in-1 बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। पहले हम पैरों को टकराएंगे इस तरह, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दूसरा क्रम में जिससे बैक पेन ठीक होगा, एक पैर आगे लीजिए, एक पैर पीछे। अब इसको क्रॉस में टकराना है, आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 समझ में आ गया होगा, आपको बरोबर दिखाई दे रहा होगा। कैमरे को सही सेट करें, अच्छे ढंग से लगाएं। अब पहले एक्सरसाइज पुनः रिपीट कर रहे हैं, इससे गर्दन का दर्द दूर, और बाद में जो एक्सरसाइज बताई इससे पीठ दर्द भी दूर होता है और पैरों का दर्द भी दूर होता है। यस, रेडी? फर्स्ट एक्सरसाइज रिपीट करेंगे 20 times। यस, अब सेकंड, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। राइट पैर आगे, पहले राइट पैर आगे लिया था, अब लेफ्ट लीजिए। यस, पीछे सहारा लीजिए हाथों का और अच्छे से टकराइए। यस, 1, 2, 3, 4, 5 गिनते रहिए 20 तक। सम एक्सरसाइज नंबर 3, अंगुलियों को बेंड करें, जितना प्रेशर दे सकते दीजिए और होल्ड करें 10 के काउंट पर, दबाएं, अच्छा प्रेशर दें। 2 ढीला छोड़ो, 1 10 के काउंट पर रुकना है। हर एक्सरसाइज हम 5 बार करेंगे कम से कम। 2 1 जो सीधे नहीं बैठ सकते हो, जिनके पैर बरोबर जमीन से नहीं लग रहे हैं, पीछे सहारा ले सकते हैं, बेड पर कर सकते हैं, सेटी पर कर सकते हैं। 2 1 दबाएं और दबाएं। 2 1 2 1 2 1 2 सम। अब राइट पैर को हम फोल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट को फोल्ड करेंगे, घुटने के ऊपर घुटना आ जाए, और नहीं आए तो ऐसे सहारा लेके जैसे आप करिए। ये गोमुखासन की पूर्व तैयारी है, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी हम ढोलक बजाएंगे, इससे पॉइंट्स की पैर के जो जितने भी पैर में पॉइंट्स आए हुए हैं एक्यूप्रेशर के, वो पॉइंट्स दब जाते हैं। न केवल पैर ठीक होते हैं बल्कि पूरा शरीर एक्टिवेट हो जाता है और शरीर के सब अंग प्रभावित होते हैं।
यस दया डोलक यस और अच्छे से बैठिए अब करिए एक बार पंजे पर एक बार नीचे एड़ी तक सामुख। अब आप रोज सोने से पहले राई का तेल लीजिए सरसों का तेल लीजिए अच्छे से मालिश करिए इस तरह पर। हम स्वयं खुद का इलाज खुद कर सकते हैं दोनों हाथों से किस हम कर सकते हैं किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं। करिए अगर ऐसा नहीं जमे अगर आप किसी का वजन ज्यादा हो जो नहीं बैठ पाते हो तो पैर को ऐसे रख दीजिए लेफ्ट हैंड से सहारा दीजिए और फिर ऐसे करिए ये बहुत अच्छा प्रयोग है। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और मालिश भी हो जाएगी आपको अच्छा लगेगा। फिर दूसरे पैर से कर सकते हैं सेम रखिए आराम से पहले वाला प्रयोग नहीं जमे तो सेकेंड प्रयोग बहुत अच्छे से हो सकता है और रोज करिए। पहला सुख निरोगी काया दूसरा सुख हाथ में माया तीसरा सुख पतिव्रता नारी चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी पांचवा सुख पड़ोसी रक्षा। इन सब में हेल्थ को सर्वोपरि रखा गया है शरीर अच्छा तो सब अच्छा। आप आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं सामाजिक विकास कर सकते हैं अपने गोल को अचीव कर सकते हैं तो हमेशा योग को अपने जीवन में स्थान दें जिससे आप स्वस्थ रह सकें। दोनों पैर सामने थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए पहले जिससे आपकी बॉडी बैलेंसिंग हो जाए। दोनों पैरों को साइड में लगा दें दोनों हाथ पीछे गर्दन पीछे की ओर रिलैक्स पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें एकदम श्वास नॉर्मल कर दीजिए।